अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे निदा, वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? अम्मी अब्बू दोनों आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो 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 आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। ऐसी हैं सफीना बाजी। यकीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जुनेद जुनेद जुनेद, बैठे ना प्लीज। कैसे हैं आप शकील भाई? बस भैया, तबीयत ऐसे ही चलती रहती है, इसीलिए पहले शादी की मुबारकबाद देने नहीं आ सका। निदा तो आना चाह रही थी, बहुत बार आप बहुत बहुत मुबारक हो भाई, शादी की जोड़ी सलामत रहे। हैं हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, और मैं माजरत चाहता हूँ कि इस ज़रूरी काम में आप लोगों की शमूलियत ना हो सकी। बस चीज़ें कुछ इतनी तेज़ी से हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस भाई, ये कुदरत के खेल हैं। खुदा को जो मंजूर था हो गया, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है इसमें। अब ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवाएं, कुछ कह दूंगी तो यहाँ सबको बुरा लग जाएगा। अरे सफीना बाजी, अब माफ़ भी कर दें प्लीज़। आप लोग आए हैं मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। क्यों, अब तो तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है, जिसे हमारा इस घर में आना बहुत बुरा लगता है। इतनी देर से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, ना चाय का पूछा ना पानी का, बस इंतजार किए जा रहे हैं यहाँ तुम्हारा। उनके तो सिर में दर्द हो रहा था ना, यही कहा था उन्होंने। मैं देखता हूँ मीना को। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ कहने की? खामोश नहीं रह सकती थी? अरे वो पूछ रहे थे। मीना, शकील भाई और बाजी आकर बैठे हैं, तुम उनके पास होना चाहिए ना। तुमसे मिलने के लिए आए हैं वो, शादी की मुबारकबाद देने के लिए। बड़ी जल्दी याद आ गया उनको मुबारकबाद देना। उस दिन तो इतनी बातें सुना कर गई थी, इतनी नफरत से देखा था मुझे, मैं तो नहीं भूल सकती। देखो वो उनका वक्ती गुस्सा था। मैं मानता हूँ सफीना बाजी कभी कभी गुस्सा हो जाती है, लेकिन बड़ी बहन है वो और मोहब्बत भी बहुत करती है हमसे। चलो आओ बैठो उनके साथ थोड़ी देर, खाने का इंतजाम करते हैं आज। अब वो खाना भी यहीं खाएंगी? मैंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर आकर उनके पास बैठ जाओ। अच्छा नहीं लगता घर आए मेहमान के साथ कुछ इस तरह करता है क्या? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम जाकर बैठ जाओ। मीना उठ जाओ प्लीज। भाई खाना तो बहुत मजे का था, लुत्फ आ गया कसम से। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सफीना बेगम, वो जो आप तोहफा लाई हैं दुल्हन के लिए, वो दिया नहीं आपने कहीं? भूल भूल तो नहीं गई हैं? भाई अब अक्सर आपकी बहन चीज़ें रख के भूल जाती हैं। मीना भाई इधर आओ। बड़े अरमानों से मैंने जुनेद की दुल्हन के लिए ये लेकर रखा हुआ था। सोचा था कि खुद जुनेद की दुल्हन रुख्सत करा कर लाऊंगी और मुंह दिखाई में उसे ये दूंगी, मगर मेरे सारे अरमान तो मेरे दिल में ही रह गए। ना कोई रस्में हुई, ना कोई धूम धड़क का। छोड़े ना बाजी, हम निदा की शादी करेंगे ना खूब धूमधाम से, तब आप अपनी सारी रस्में पूरी कर लीजिएगा। अरे वाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त बात की जुनेद ने। भाई अब तो खुश हो जाओ। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे,
वरना तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे से खुशियां रूट सी गई हैं मुझसे। मीना लाओ हाथ दो इधर। बहुत बहुत मुबारक। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी बाजी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। अरे भाई क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं, तुम मेरे इकलौते भाई हो, अब अगर तुमसे भी ताल्लुक तोड़ लिया तो मेरा तो मैका ही नहीं रहेगा। छोड़े ना बाजी, ऐसी बातें क्यों कर रही है। हमारे पास भी एक खुशखबरी है, हम इंशाल्लाह वलीमे की दावत करेंगे बहुत अच्छी सी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है मामू, सुना मम्मी आपने। आप लोग कावा ले ना प्लीज। मैं ले लेती हूँ। थैंक यू नेता। पहले अब्बा को दो। जीते रहो जीते रहो। अरे गुड़ तो दे दो भाई। क्या बात क्या बात। Thank you. ये रिंग यहाँ क्यों पड़ी है? संभाल के रख लो। संभाल के रखने वाली होती तो जरूर संभाल लेती। फिलहाल तुम इसे दराज में फेंक दो। सीना बाजी ने इतने प्यार से दिए, को पता लगे तो वो कितना बुरा लगेगा। देखो मैं सच्ची बात ना मुंह पे कह देती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं होता। सफीना बाजी काफी चलाक और तंग दिल औरत है ना, अपने इकलौते भाई की बीवी को इतना घटिया तोहफा कौन देता है। वैसे तोहफे की मालियत नहीं, देने वाले का खलूस देखा जाता है। नीयत भी देखी जाती है। सफीना बाजी काफी बदनीयत है। लाओ अब तो ये मेरे पास ही रहेगी, निधा को उसकी शादी में तोहफे में दूंगी, बहुत अच्छा लगेगा सफीना बाजी को। वैसा भी करने की कोई जरूरत नहीं, ला दो मुझे। अब तो ये मेरे पास ही रहेगी, सफीना बाजी की अमानत है। गए नहीं हम सफीना बाजी की तरफ अभी तक, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा किसी दिन। उन्होंने दावत तक तो की नहीं हमारी, अभी तक ख्याल नहीं आया तुम्हारा उन्हें। बस भी कर दो मीना।
मामू, मैंने आपको और मुमानी जान को काफ़ी मिस किया आज। किरण भी नहीं आ सकी, आप होते तो बहुत अच्छा होता, मेरा कोई अपना होता। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारा शौहर ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। जुनैद की हमेशा कदर करना। अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मामानी जान कैसी हैं? बेहतर है बेटा। अच्छा तुम ऐसा करो, अपनी और जुनैद की कुछ तस्वीरें हमें व्हाट्सएप कर दो, जरा हम भी तो देखें। हाँ मैं भेजती हूँ। अच्छा बाहर कोई आया है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम लोग कभी तक यही हो, घर नहीं गए? नहीं, वो अम्मी कुछ बात कर रही है मामू से। बात क्या कर रही होंगी, मेरी बुराई कर रही होंगी? ऐसे भी तुम्हारी अम्मी कोई खास खुश नहीं थी आज। अरे नहीं, ये तो आपकी गलत फहमी है मामी, बल्कि हम लोग तो बहुत खुश हैं आप दोनों की शादी से। और आपको पता है, मेरी सब दोस्तें आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कितनी खूबसूरत मामी मिली है तुम्हें। तो फिर तुम आज ही बात करोगे ना अपनी अम्मी से हमारी शादी के बाद? सुनारा, इस रिश्ते के लिए मेरी अम्मी को राजी करना ना बहुत ही मुश्किल है। एक दो बार कोशिश की मैंने उनसे बात करने की, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे कैसे बात नहीं बनी फारिस, कमी क्या है मेरे अंदर? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा हूं मैं उनका, और इस शादी को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। अपने लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार किया है मैंने फारिस, तुम्हारी वजह से। तुम अपनी अम्मी से मुझे मिलवाओ ना, मुझे यकीन है कि मुझसे मिलके उनके सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। तुम उन्हें नहीं जानते। मैंने बताया ना कि मेरी अम्मी का ना मिजाज बिल्कुल अलग है, उनको मनाना इतना आसान नहीं है। तो फिर मना कर। अच्छा है, जान छूट जाएगी तुम्हारी भी। अच्छा यानी नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ नहीं पड़ता कोई फर्क। तुम जानते हो मुझे कितना फर्क पड़ता है वारिस। अच्छा मैं सुना रहा हूँ, कम ऑन, जस्ट रिलैक्स प्लीज, फॉर नाउ जस्ट डोंट थिंक टू मच, स्माइल।